पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में बीजेपी की ओर से 17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक सेवा ही समर्पण अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत राजधानी भोपाल स्थित मानस भवन में सीएम शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने दिव्यांगों को कृत्रिम अंग वितरित किए। देखिए ये खास रिपोर्ट। पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर चलाए जा रहे अभियान के अवसर पर राजधानी के सभी बूथों में दिव्यांगजनों को ट्राईसाइकिल, व्हील चेयर, बैसाखी आदि कृत्रिम अंगों का वितरण किया गया। इस अवसर पर सीएम शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा सहित अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे, जहां दिव्यांगों को माला पहनाकर स्वागत करते हुए उपकरण वितरित किए। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हमारा ध्येय यह है कि गरीब, किसान और आमजन को उसका अधिकार मिले और उनका जीवन। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों कार्यकाल अगर मिला ले तो 20 साल पूरे हो और भारतीय जनता पार्टी ने तय किया 17 सितंबर से 20 अक्टूबर तक, 7 अक्टूबर 20 साल पूरे हो गए। सेवा और समर्पण अभियान चलाएगी भारतीय जनता पार्टी और ये इसलिए कई बार आपको अपने नेता का जन्मदिन होता है तो स्वागत द्वार बनते हैं, होर्डिंग्स लगते हैं, फूलों की मालाएं गले बदलती है, जय जयकार होता है। प्रधानमंत्री जी ने कहा फूलों की मालाएं उनको स्वागत द्वार नहीं चाहिए, उनको जय जयकार नहीं चाहिए। अगर जन्मदिन मनानी है तो गरीब दत्त नारायण की सेवा करके मनाओ, सेवा करके मनाओ। लेकिन बचपन से अदब के साहस से भरे हुए और बचपन से सेवा भाव से भरे हुए। एक बार मगर का बच्ची पकड़ लाए थे, साहस इतना था। स्कूल में पढ़ते थे तो अपने गरीब मित्र का ध्यान रखते थे और चाय बेच के बेचने में भी उन्हें कभी संकोच नहीं किया। पिताजी अगर चाय बेचते थे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि समाज की अंतिम पंक्ति में खड़े अंतिम छोर के व्यक्ति के मन को छूने का प्रयास किया गया है। आज भारतीय जनता पार्टी भोपाल ने, उत्तर विधानसभा के हमारे कार्यकर्ताओं ने माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्म उत्सव के अभियान में सेवा ही समर्पण का अभियान जो हमने 17 तारीख से प्रारंभ किया है, आज का दिन पूरे मध्य प्रदेश के अंदर सभी मंडलों में दिव्यांग भाइयों को दिव्यांगों के उपकरण वितरण का अभियान हमने लिया था। आज मैं उत्तर विधानसभा के सभी कार्यकर्ताओं को इस बात के लिए बधाई देता हूँ कि उन्होंने दिव्यांगों के आज उत्तर विधानसभा के प्रत्येक बूथ से 71 दिव्यांग भाइयों को चयन करके कि किसी भी बूथ पर ऐसे जरूरतमंद हमारे दिव्यांग भाई हैं तो उनको ट्राई साइकिल से लेकर के ऐसे जरूरतमंद उपकरणों को वितरण का अभियान आज यहां पर लिया है। तो भारतीय जनता पार्टी के मैं सभी कार्यकर्ताओं को आदरणीय आलोक जी, आदरणीय सुमित पचौरी जी के नेतृत्व में, भगवान दास सबरानी जी के नेतृत्व में आज यहाँ पर जो कार्यक्रम हुआ है, मैं आप सब लोगों के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूँ और इस प्रकार के हमारे दिव्यांग भाइयों के अभियान भी भारतीय जनता पार्टी ने पूरे मध्य प्रदेश के अंदर बड़े पैमाने पर लिया है। तो माननीय मोदी जी के जन्म उत्सव के अवसर पर हम हर प्रकार के जरूरतमंद लोगों की सेवा के काम में जो सेवा का संकल्प हमारे कार्यकर्ताओं ने लिया है, हम लगातार इस दिशा में 7 अक्टूबर तक इस अभियान को यशस्वी बनाने का प्रयास माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिवस के अवसर पर कर रहे हैं। भाई साहब, इस दौरान कार्यक्रम में बीजेपी जिला अध्यक्ष सुमित पचौरी समेत बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, भोपाल।